हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? अब करें क्या? चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूं। टू द पॉइंट स्ट्रेट आपके पास आ रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट अस गो फॉर द प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर किया, हमने पूरा रिविजन किया, हमने सारे एमसीक्यूज किए, हमने केबीसीए स्टाइल में किए, सब मस्त है। आपने भी रिवाइज कर लिया होगा। जरा एक बार प्रैक्टिस सेट आपको करा दो तो ये लास्ट नेल भी हम ठोक दें उसमें ताबूत में। और एक और चीज, टेस्ट जो भेजे हैं जरूर करना है। टेस्ट के लिखे बगैर इस पेपर में अगर बहुत अच्छा स्कोर करने की सोच रहे हो तो कुछ ऊपर वाला करवा सकता है। मैकेनिकली और जो साइंटिफिकली और जो टूल्स हैं एजुकेशन के, उसके हिसाब से तो बच्चे तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट करोगे। आई होप आप करोगे, मुझे पूरा यकीन है तुम लोगों में। ठीक है, करो प्लीज। एंड चलो शुरू करता हूं मैं आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर 3। आओ जी फटाफट करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सब आपका किया हुआ है। विल गो ऑल स्ट्रेटजीज इमर्ज फ्रॉम कॉर्पोरेट विजन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था आपके पास करंट इंटेंट होता है जिसका पार्ट होता है विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। और आज मेरे से किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि सर इसको मिशन के रेफरेंस से क्यों बात कर रहे, क्योंकि मिशन विजन से ही निकला हुआ है। विजन का एक्शन मोड मिशन है। चलो जी बहुत अच्छी बात है। फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स विजन एंड मिशन आर इररेलीवेंट। बिल्कुल गलत बात है जी, किसने कह दिया? ये रेलिवेंट है, यूनिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। यही तो है जो कस्टमर, प्रोडक्ट, मार्केट, टेक्नोलॉजी, सीपीटी मार्केट का फोकस सेट करता है। याद है? चलो, स्ट्रेटजिक विजन एंड मिशन स्टेटमेंट आर नीडेड ओनली बाय लार्ज बिजनेस हाउसेस। तो छोटे वाले क्या गुरुद्वारे जाए? क्या बात है, ये गलत बात है। सबको चाहिए होता है, सबके पास होता है। इज एन स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। भाई साहब नहीं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए ऑपरेटिंग प्लान्स होते हैं, सॉरी वहां पे ऑपरेशंस एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। इनपुट आउटपुट से एफिशिएंसी को लेना देना है, प्लानिंग इफेक्टिव होती है, इफेक्टिवनेस को लेना देना है। ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात होगी, एफिशिएंसी की बात नहीं होगी। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए होगा, कोई स्टेबिलिटी, कोई एक्सपेंशन, कोई ग्रोथ, ऐसी स्ट्रेटजीज प्लानिंग के थ्रू बनाई जाती है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल इज टू अंडरटेक इंटरनल एनालिसिस। नहीं जी, नॉट ओनली इंटरनल बल्कि सो मेनी एनालिसिस। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन से पहले करेंट एनालिसिस, उसमें सारे एनालिसिस आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, देन रिवाइज्ड, देन फॉर्मुलेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग और नंबर ऑफ चॉइसेस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू दिस को डिसाइड करते हैं। बहुत अच्छी बात है। शेयर्ड विजन एंड विजन शेयर्ड आपको बताया है, विजन शेयर्ड इंपोज्ड होगा, शेयर्ड विजन डेमोक्रेटिक होगा। रिजल्ट किसके बेहतर आएंगे? वैसे तो दोनों के आएंगे, लेकिन शेयर्ड विजन में जहां बॉटम अप अप्रोच है वहां बेहतर रिजल्ट आएंगे। गुड। विजन मिशन का डिफरेंस विद एग्जाम्पल यू कैन डू, वी हैव डिस्कस्ड। प्लानिंग के दो अप्रोच, टॉप बॉटम, बॉटम अप। टॉप बॉटम मतलब फिर वही आ गई, प्लान शेयर्ड एंड शेयर्ड प्लान। टॉप बॉटम को, टॉप डाउन को अपन कह सकते हैं, प्लान शेयर्ड प्लान बनाया एंड शेयर किया। और शेयर्ड प्लान वो है जो बॉटम अप फीडबैक के बेसिस पे प्लानिंग की गई हो, तो सबकी पार्टिसिपेशन होगी, सेंस ऑफ ओनरशिप होगा, बेहतर रिजल्ट आएंगे। डन। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक विजन, हु वी आर, व्हाट वी आर, वेयर डू वी वांट टू बी, एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ विजन, एंड दैट शुड बी बेटर इफ इट इज शेयर्ड विजन। मिशन स्टेटमेंट क्या है आपको पता है, स्ट्रेटजिक विजन एंड इट्स एलिमेंट्स आपको पता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल आपको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको सब पता है। इसके 5 स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियर है, बोल दूं एक बार। एनालिसिस, इंटेंट वगैरह छोड़ो तो करना ही है जैसे करना है, एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजिक च्वाइसेस, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड स्ट्रेटजिक इवेल्युएशन, मैगी का केस और जिलेट का केस और तमाम तरह के और भी एग्जाम्पल्स। आपको एबीसी कंपनी लिमिटेड का स्ट्रेटजिक मैनेजर बनाया गया, आप क्या क्या टास्क परफॉर्म करोगे? मैं शुरुआत करूंगा, स्ट्रेटजिक मैनेजर विजन तो नहीं देखेगा, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव से। उसके लिए करूंगा प्लान, उसके हिसाब से जुगाड़ करूंगा रिसोर्सेस, फिर उसे करूंगा इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट करने के बाद इंप्लीमेंटेशन के लिए लीडरशिप चाहिए होगी, फिर कंट्रोल, और कंट्रोल के बाद मैं
गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करूंगा और वो क्या होंगे, हमारे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होंगे, ठीक है, एज ए मैनेजर इतना सब कुछ इस पर नजर रखूंगा। हाउ कैन अ कंपनी डील विथ स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी, आज ही क्लास में, लास्ट क्लास में आपको बताया था स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए हमारे पास 3 S हैं, क्या, स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग नंबर 1, सिनेरियो एनालिसिस नंबर 2 एंड स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 3, ठीक है जी। ओके, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सही है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग पूरा आपको याद होगा। स्ट्रेटजिक डिसीजंस आर डिफरेंट इन नेचर देन ऑल अदर डिसीजंस इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 3 मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजंस। ऑब्वियसली ये टॉप मैनेजमेंट का जॉब है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, एनवायरमेंट के चेंजेस को कैटर करता है, जनरल ऑपरेशन जो जनरल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए डिसीजन मेकिंग होती है वो स्ट्रेटजिक नहीं होती, वो बेसिक डिसीजन मेकिंग होती है, वो तो एग्जीक्यूशन की होती है। स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग वहां यूज होती है जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, वहां यूज होती है जब हमें बेस्ट ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना होता है। और लास्ट बात आपको बता दूं, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ठीक है जी, एकदम कट टू कट बात कर रहा हूं, जो पॉइंटर्स आपने लिखने भी चाहिए लिखने होते हैं, टेक्निकली बात कर रहा हूं क्योंकि अब कोर्स कर लिया, लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट नहीं चलेगा। स्टेट द पॉइंट और एग्जांपल चिपकाते चलना भी, जो आपकी बुक में जो कराए, अब यहां डिटेल में तो करा नहीं सकता हर चीज। स्टेट द पॉइंट दैट मे बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, बोलो कौन कौन से पॉइंट हम लिखते हैं, यूनिक होना चाहिए, गुड मिशन स्टेटमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, यूनिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कस्टमर प्रोडक्ट मार्केट टेक्नोलॉजी फोकस्ड होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें होनी चाहिए। राइट मिशन स्टेटमेंट के लिए, वही गुड मिशन स्टेटमेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इतनी ही चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेटजिक विजन, पता है क्या है स्ट्रेटजिक विजन, स्ट्रेटजिक मिशन क्या है, गुड मिशन स्टेट कंसिडर वाइल राइटिंग अ गुड मिशन स्टेटमेंट, सेम थिंग वी डिस्कस्ड, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आर बताया था, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है, देखो आ गया ना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएट क्वांटिफाइड एम्स और टारगेट्स, और वो भी दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम गोल, डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव करा दिया था आपको। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स मेक ऑब्जेक्टिव, मैंने बताया था स्मार्ट होता है, और उसके अलावा 3-4 पॉइंट और कराए थे। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल, एकदम आसान। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 का हो गया जी, क्या हो गया, प्रैक्टिस सेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो फिर रिमाइंडर दे रहा हूं, जो टेस्ट मैंने आपको दिए हैं, एक तो हमने क्लास में किए और एक मैंने ग्रुप में दिए घर से करने के लिए, जिसमें बहुत सारे क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं, वहां जो प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चंस हैं, वहां जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करेंगे, करने में अगर कोई दिक्कत आएगी त्रिवेदी को तुरंत 2 मिनट के अंदर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर मार्क्स यू गेट इन दिस पेपर, द की टू सक्सेस इन दिस पेपर इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नॉट द नॉलेज ओनली बट हाउ टू एक्सप्लेन दैट, हाउ टू, कैसे उस नॉलेज को आप क्राफ्ट कर पाते हो, हाउ टू आर्टिकुलेट योर आंसर शीट। और खास करके ध्यान रखना, एक तरफ EIS होगा एक तरफ SM होगा, दो स्ट्रीम्स को मिलाना बिना प्रैक्टिस के दोनों को अच्छे से जस्टिस कर पाना मुश्किल होता है, तभी मैंने इतना प्रेशर आपके ऊपर बनाया हुआ है हर वीडियो में, हर क्लास में, हर एक लेक्चर में। जब मैं तुम्हारी कॉपी चेक करने के लिए तैयार हूं तो फिर तुम्हें करने में क्या दिक्कत है, करो तो यार, टाइम तो निकालो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदाबाद रहो, अपना और अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मिलता हूं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, बाय बाय, थैंक यू।